वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, चेतन चीता से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है जिनके लिए अशोक चक्र की सिफारिश की गई है। सीआरपीएफ ने अशोक चक्र से सम्मानित करने की सिफारिश यहां पर चेतन चीता के लिए की है। गृह मंत्रालय अब इस पर अंतिम फैसला लेगा। आपको बता दें कि आतंकवादियों से मुठभेड़ में 9 गोलियां चेतन चीता को लगी थी और आंख में गोली लगने के बाद भी वो लड़ते रहे थे। लश्कर के आतंकी अबू हारिस को उन्होंने ढेर किया था और 14 फरवरी को बांदीपुरा में ये मुठभेड़ हुई थी, जिस दौरान आतंकियों की कई गोलियां इनको लगी और 2 महीने तक चेतन चीता कोमा में रहे थे और उसके बाद वो कोमा से बाहर निकले और इन्हीं चेतन चीता को अशोक चक्र से सम्मानित करने की बात यहां पर कही जा रही है।